डियर स्टूडेंट, अपन स्टार्ट कर रहे हैं शुक्रवार 4 सितंबर शाम का पेपर जेडब्ल्यू मेन सितंबर 2020 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, सीक्वेंस सीरीज पर आधारित बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बच्चे का दिमाग चलेगा तो सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो देखकर ही डर जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ध्यान दीजिएगा, ए एन है 300 और ये है 1 प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये हो गया 299 इज इक्वल टू एन माइनस वन डी। अब इसका और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए इंटीजर, या फिर अपन ऐसा बोल दें कि इंटीजर। आप समझ रहे हैं बात को? अब 299 कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट है हमको ये देखना होगा। तो आइए जरा देखते हैं, 299 13 देखना होगा। यस, लीजिए, सुनो प्यारे बच्चे, 13 × 23 / (n-1) मेरी बात सुनिए, d यदि इंटीजर है तो यह (n-1) या तो 1 हो जाए। यदि ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, (n-1) कैन नॉट बी 1 बिकॉज हियर n विल बी 2, तो 2 हमारी रेंज में नहीं है। अब (n-1) मान लो कि 299 हो जाए, यस, तो n होगा 300, वो भी नहीं है। फिर (n-1) मान लो 23 हो जाए, (n-1) 23 हो गया, तो n बराबर 24, डन, ओके। और (n-1) यदि 13 हो गया, यस, तो n बराबर 14, तो 14 फिर मेरे कवरेज के बाहर चला गया। तो यहां पर फैसला होता है कि (n-1) विल बी 23, सो n बराबर 24, यस। तो (n-1) को अपन ने 23 लिया तो 13 इज इक्वल टू हो गया d। आया मेरा प्लान समझ में मेरे दोस्त? तो 13 हो गया d। अब हमसे बोल रहे हैं कि n 24 है तो (n-4) कितना? बोलो बोलो बोलो, 20। तो हमको s 20 बताना है और a 20 बताना है। तो a 20 क्या होगा? a1 प्लस 19 d मतलब 13। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 9 × 3 = 27 और उसमें 1 जुड़ा तो आखिरी में 8 होना चाहिए। तो A20 में 8 होना चाहिए आंसर। अब बेवकूफ बच्चा ज्यादा टाइम बिगाड़ेगा और S20 भी ढूंढेगा, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं ढूंढ के बताता हूं, 20 / 2 (2a + 19 × 13) तो मेरे भैया ये हो गया 10
और ध्यान से देखो, 9 3 जा 27 में दो जुड़ा तो 9, और 9 के बाद 0 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये तो पूरा का पूरा। ओहो, चलो सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर है 4th। जल्दी अगला क्वेश्चन। थैंक यू।